स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। जैसा कि हम लोग मशीन डिजाइन के काफी सारे वीडियो अभी तक देख चुके हैं, उसी कड़ी में आज हम लोग देखेंगे बियरिंग। बेसिकली बियरिंग का लेक्चर जो है हमारा 81 से लेकर के 100 तक है, तो दैट मीन्स कि ओवरऑल 20 लेक्चर्स में हमने पूरा बियरिंग का कॉन्सेप्ट जो है लिया है। लेकिन आज जो हम देखेंगे सिंपल एक पिक्टोरियल व्यू देखेंगे, ठीक है ना। इसको डिटेल में वन बाय वन करके हम फिर से पढ़ाएंगे, लेकिन आज जो है इस वीडियो से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, बट कॉन्सेप्ट यहीं से बनना है आपका। इसलिए टाइप्स ऑफ बियरिंग आज बताएंगे और बियरिंग का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बताएंगे। हमने शुरू में ही बताया कि बियरिंग का ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ है कि आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके। यदि हम बियरिंग की बात करते हैं, टाइप ऑफ द बियरिंग, तो सबसे पहला इसमें है स्लाइडिंग बियरिंग। स्लाइडिंग बियरिंग, अब बियरिंग क्या है तो सबसे पहले ये जानिए कि बियरिंग इज ए मशीन एलिमेंट विच सपोर्ट्स अनदर मूविंग एलिमेंट, ठीक है ना। और जो सपोर्ट करता है ये अंदर वाला जो पार्ट देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड जॉर्नल, और बाहर वाला जो पार्ट है, जैसे ये अंदर वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड जॉर्नल, और ये बाहर वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड बियरिंग, ठीक है ना। और इसके बीच में क्या हो गया सर, इसके बीच में आइदर देयर विल बी बूस्ट और देयर विल बी लुब्रिकेंट। तो हम लोग एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे, और इसमें जो है ये कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं कि इसमें जो है या देखेंगे कि एक लेयर ऑफ फ्लूड जो है इसमें काम करता है, एंड द लुब्रिकेंट और फ्लूड यूज टू सेपरेट द जॉर्नल एंड द बियरिंग। दिस पार्ट इज जॉर्नल, दिस पार्ट इज बियरिंग, and this is the seal capped so that lubricant will not be leaked in any case, you know, there should not be leakage of the lubricant, ठीक है। तो इसमें जो है कौन सा लुब्रिकेंट यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो सब देखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग का। अब इसमें जैसा कि लुब्रिकेंट बताए, तो लुब्रिकेंट इट मे बी वेजिटेबल ऑयल, सिलिकॉन ऑयल्स, ग्रीस, मिनरल ऑयल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट इटीसी, ठीक है, जो कि हम लोग एक सेपरेट लेक्चर नंबर 84 में डिस्कस करेंगे। जब क्लासिफिकेशन ऑफ बियरिंग में जब आते हैं फर्दर, तो देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना, या ऑन द बेसिस ऑफ जो है कॉन्टैक्ट हमने देखा था स्लाइडिंग बियरिंग, और एक देखेंगे बाद में रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। लेकिन जो है ऑन द बेसिस ऑफ लोड सपोर्टेड देर आर टू काइंड ऑफ द बियरिंग, वन इज द रेडियल बियरिंग, देर इज ए रेडियल लोड, ठीक है ना, अलोंग द रेडियस, ठीक है ना। जब लोड क्या लगता है अलोंग द रेडियस, देन इट इज रेडियल बियरिंग, एंड इफ इट इज सपोर्टेड एक्सियल लोड लाइक थ्रस्ट बियरिंग, इसको क्या बोलते हैं थ्रस्ट बियरिंग। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्या है, रेडियल बियरिंग है, क्योंकि देयर विल बी रेडियल लोड एंड दिस विल बी द थ्रस्ट बियरिंग, दिस विल बी द थ्रस्ट बियरिंग। इसके बारे में और हम लोग डिटेल में अभी देखेंगे। अब स्लाइडिंग बियरिंग और कॉन्टैक्ट बियरिंग, रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग अभी हम बताएं। अब देखिए स्लाइडिंग बियरिंग में जनरली हम लोग जनरली क्या सिर्फ और सिर्फ लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं, और यहाँ पे जो है बॉल्स यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे रोलर बॉल्स है, सिलिंड्रिकल बॉल्स है, ठीक है ना, ये स्फेरिकल बॉल्स हैं, ठीक है ना, इसमें बॉल्स हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, ठीक है ना। अब रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग फर्दर कई सारे टाइप्स के होते हैं जो कि हम लोग देखेंगे, लेकिन जो है स्लाइडिंग बियरिंग में बेसिकली जॉर्नल एंड बियरिंग, ये भी कई सारे टाइप्स के होते हैं जो हम लोग एक सेपरेट वीडियो लेक्चर नंबर 82 में जो है इसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग और रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, लेकिन अभी स्लाइडिंग बियरिंग के जो है कॉन्सेप्ट है एक फुल जॉर्नल बियरिंग, पूरा का पूरा जो है। अब देखिए इसके अंदर ये जो कलर आप देख रहे हैं दैट इज द बेसिकली लुब्रिकेंट, ठीक है ना, और लुब्रिकेंट है, और इसमें अभी टर्मिनोलॉजी जो है, नोमेनक्लेचर जो है, ये बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, ये नोमेनक्लेचर हम लोग लेक्चर नंबर 85 में सेपरेटली पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये जो है आपका क्या हो गया, अंदर लुब्रिकेंट्स हो गया, और दिस इज द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ये कैसे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना। अब इसमें तीन तरह का हो सकता है, देयर मे बी फुल जॉर्नल बियरिंग, पूरा का पूरा जो है जॉर्नल को और फ्लूड को गैप किए हुए हो, दैट इज द फुल जॉर्नल बियरिंग। पार्शियल जॉर्नल बियरिंग, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं, इस ये तभी संभव है पार्शियल जॉर्नल बियरिंग
जब लोड सिंगल साइड लग रहा हो सिर्फ नीचे डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इन दी सेम वे फिटेड जर्नल बियरिंग, ठीक ना, आप रेलवे का मालगाड़ी देखे होंगे, ठीक ना, एक बार नहीं देखे होंगे तो देखिएगा, जितने भी मालगाड़ी के डब्बे के व्हील्स रहते हैं, जो एक्सल है, वह एक्सल का जो है वहां पे यही फिटेड जर्नल बियरिंग यूज करते हैं। सिमिलरली जो है, जब ये देखिए, जस्ट एक वहाँ पे आपको दिखाए हैं वेज फिल्म लुब्रिकेशन की, कैसे जो है फिल्म लुब्रिकेशन बनता है। जब ये डायरेक्ट लोड रहेगा तो ये जब रेस्ट में रहेगा तो ये क्या रहेगा, कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, स्लो स्पीड होगा, धीरे धीरे कॉन्टेक्ट बनेगा, और जैसे ही हाई स्पीड होगा तो क्या होगा, देयर विल बी प्रेशर डेवलप्ड इन साइड दी आयल एंड देयर विल बी एक गैप बिटवीन दी जर्नल एंड बियरिंग। ये देख रहे हैं गैप, ठीक है, दिस इज दी मिनिमम थिकनेस ऑफ दी आयल, इसको बोलते हैं, ठीक है, एंड इट हैज बीन सीन एट दी हायर स्पीड। अभी आप देख सकते हैं कि लो स्पीड पे जब स्पीड 0 है तो आराम से नीचे बैठेगा, ठीक ना, स्लो होगा तो थोड़ा सा, हाई होगा तो थोड़ा सा, जैसे जैसे होगा, ठीक ना, बहुत हाई स्पीड पे ऑलमोस्ट इट गोज टू दी सेंटर, और सेंटर ऑफ द जर्नल एंड सेंटर ऑफ द बियरिंग डिस्टेंस इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। तो वहां पे इसेंट्रिसिटी आपको हो सकता है 0 भी मिले, ठीक ना, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लुब्रिकेशन। और ये जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड एंगल, इसके बारे में भी अलग से हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 84 में, सॉरी 85 में। बाद ये स्पीच फिल्म लुब्रिकेशन, ठीक ना, अब जैसे कि हमने रेलवे वाला बताया था आपको अभी एग्जाम्पल, ठीक ना, दैट मीन्स कि इफ द लोड इज वेरिंग इन मैग्नीट्यूड व्हाइल एक्टिंग इन ए कॉन्स्टेंट डायरेक्शन ओनली, ठीक ना, डायरेक्शन इज कॉन्स्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस बिकम्स ए थिन फिल्म और पॉसिबली ए जीरो फिल्म प्रॉब्लम, बट इफ द लोड रिवर्स इट्स डायरेक्शन द स्क्विज फिल्म में डेवलप सफिशियंट कैपेसिटी टू कैरी द डायनामिक लोड विदाउट कॉन्टेक्ट बिटवीन द जर्नल एंड द बियरिंग, दैट इज द कंडीशन, ठीक ना, ये कंडीशन है उसका, ये भी कंडीशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जर्नल है और जो बियरिंग है, देयर इज नो कॉन्टेक्ट एट ऑल एट द हाई स्पीड, बट यहाँ पे जो है देयर इज फिटेड जर्नल बियरिंग, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये हमने जो है आपको दिखाया कि जो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग है, जो लुब्रिकेंट्स हैं, देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ द लुब्रिकेंट एंड दैट इज द जो है लिक्विड, सेमी लिक्विड एंड सॉलिड। आप देखे भी होंगे सॉलिड लुब्रिकेंट दैट मीन्स की ग्रेफाइट, सेमी लिक्विड ग्रीस, या घर में घी देखे होंगे दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेमी लिक्विड इन विंटर सीजन स्पेशली, और लिक्विड तो मालूम ही है। प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 84 में, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, नोमेनक्लेचर, ये सब जो है डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 85 में। ये जो अभी आप देख रहे हैं सिर्फ एक पिक्टोरियल व्यू देख लीजिए, जो है मैं ये डिस्कस करूंगा, पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा कि जर्नल क्या है, बियरिंग क्या है, ठीक ना, और बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर, मोडलस ऑफ जर्नल, और ये सब जो है चीजें, हीट जनरेटेड या और भी शॉर्ट एंड लॉन्ग बियरिंग, और ये सब जितने पार्ट हैं सब, ये सब सॉलिड सॉरी स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग के हैं, और ये सब हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन। और ये जो है शॉर्ट एंड लॉन्ग में बियरिंग में जो है लॉन्ग बियरिंग, शॉर्ट बियरिंग एंड स्क्वायर बियरिंग, दिस इज दी स्क्वायर बियरिंग, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड जर्नल और बूस बियरिंग दैट यू कैन से दिस इज द बूस, ठीक है, जनरली कॉपर या ब्रॉन्ज का जो है बना रहता है, हाईली सोफिस्टिकेटेड एंड वेरी लेस कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, ऑलमोस्ट 0 दैट यू कैन से, एंड दिस इज दी होल टू पुट द आयल इन साइड द बूस, ठीक है, हाउ आर दिस आयल इज वेरी मच प्रेशराइज, जब तक आप प्रेशर नहीं देंगे, दीज आर ऑल बूस, ये सब क्या है, बूस है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ स्प्लिट एंड प्लमर ब्लॉक, ठीक है, ये आप देखिए ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या है, स्प्लिटेड है, और ये कैप है, कैप की डिजाइन हमें पढ़नी भी है, ठीक है ना, कैप की डिजाइन आई थिंक लेक्चर नंबर 88 में कैप की डिजाइन पढ़ेंगे हम लोग, और ये स्प्लिट एंड जर्नल बियरिंग का भी कॉन्सेप्ट बताएंगे, कोलार बियरिंग है उसका भी कॉन्सेप्ट बताएंगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थ्रस्ट बियरिंग का कॉन्सेप्ट हम अभी बताए थे, फिर भी बता दें कि इट इज ए लॉन्ग जो है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अलोंग द एक्सिस, ठीक है ना। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ द थ्रस्ट बियरिंग भी है, ठीक
ठीक ना, बहुत ज्यादा टाइप यहाँ पे तो हम डिस्कस कर नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा टाइप आपको देखना है तो दैट यू कैन गो इन दी मैन्युफैक्चरर्स कैटलॉग। यदि कोई कंपनी बनाती है बियरिंग, तो उस बियरिंग का जो आप देखेंगे कॉन्सेप्ट, दैट विल बी दी बेस्ट कॉन्सेप्ट फॉर एवर। वहाँ पे आपको वर्किंग प्रिंसिपल, मटेरियल वगैरह सब कुछ। बींग ए मैकेनिकल स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि गो टू दी मैन्युफैक्चरर्स कैटेलॉग। कहीं भी मैं, मेरा ये कोशिश कभी नहीं रहता है कि आप मेरे चैनल पे हैं तो मेरे ही चैनल पे 100% नॉलेज है, नहीं। यू विल फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू गेट ऑल नॉलेज हियर, यू विल नीड टू गो एट मैन्युफैक्चरर्स कैटेलॉग, ठीक ना। देन अगेन इट इज द रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग दैट यू कैन सी हियर, इट इज एन आउटस्टैंडिंग एडवांटेजेज ऑफ द रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग ओवर ए स्लाइडिंग बियरिंग दैट इट हैज लो स्टार्टिंग फ्रिक्शन, ठीक ना। बेसिकली रोलिंग कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि रोलर का यूज करते हैं, ठीक ना, और रोलर क्या होता है कि जो है उसमें कंपेरेटिवली जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग है उसके कंपेरिजन में ज़्यादा जो है वो होता है, ठीक ना, क्या फ्रिक्शन। तो वहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है एंटी फ्रिक्शन बियरिंग बनाने की, ठीक ना। एंटी फ्रिक्शन बियरिंग बनाने की भी बहुत सारे मेथड है जो हम लोग अगेन सेपरेट उसमें डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताया ही कि ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली हम ये डिस्कस कर रहे हैं इसलिए कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा आप समझ जाए, ठीक ना। रेदर देन अपार्ट फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट मैनुअली आई विल डिस्कस वन बाय वन ऑन दी पेन एंड पेपर, पेन पेपर लेकर के वो सारे कॉन्सेप्ट हम बताएंगे आपको। लेकिन मोर ओवर जो है इसके कॉन्सेप्ट को आज यहाँ पे समझिए। दीज आर दी वेरियस टाइप ऑफ दी रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग अगेन, ठीक ना। अभी रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग जो है आप समझ सकते हैं, ठीक ना, ये देख करके ही आप समझ गए होंगे कि हाँ सर ये बॉल बियरिंग है, ये रोलर बियरिंग है, रेडियल बॉल बियरिंग है, थ्रस्ट बॉल बियरिंग है। देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, ये जो है आपका क्या है, रेडियल बॉल बियरिंग है, ये रोलर बियरिंग है, ये बॉल बियरिंग है, ठीक ना, ये थ्रस्ट बियरिंग है। थ्रस्ट बियरिंग में हल्का सा जो है टेपर्ड रहना बहुत जरूरी है, यदि टेपर्ड नहीं रहेगा तो यू विल गेट डिफिकल्टी, यू विल गेट डिफिकल्टी, ठीक ना। तो इस तरह से जो है आप कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं, और साथ में ही जो है थोड़ा सा इसका जो है एनिमेटेड वीडियो हमने तो कोशिश किया है आपको बताने की, लेकिन फिर भी आप जो है थोड़ा सा इसको देखिएगा। अगेन टाइप ऑफ द रेडियल बॉल बियरिंग, अब ये एक्चुअली ग्रुप्स हैं, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे, दीज आर दी ग्रुप्स, ठीक ना। तो सिंगल रो ग्रुप्स हो जाएगा, फिलिंग नोच हो जाएगा, और इस सिंगल के साथ डबल भी तो होगा, डबल रो ट्रिपल रो तक भी होता है, और जो है फिलिंग नोच जो है ना एक सेपरेट, ये देख रहे हैं आप फिलिंग नोच टाइप से है, ठीक ना। और अगेन एंगुलर कॉन्टैक्ट, डबल रो, सेल्फ अलाइनिंग, ये डबल रो बियरिंग है, ठीक ना, डबल रो एक साथ जो है दो दो रो। इसी तरह से ये बॉल में भी हो सकता है, सिर्फ रोलर में नहीं, बॉल में भी हो सकता है। टाइप ऑफ दी रोलर बियरिंग, ठीक ना, जर्दी, ठीक है। दी आर दी टाइप्स ऑफ दी रोलर बियरिंग, ये आप देख सकते हैं एक एक रोलर बियरिंग का। अब इसमें सिलेंड्रिकल रोलर, स्फेरिकल, निडिल रोलर, ये देखते हैं ये सब निडिल रोलर है, एक एक करके आपको जो है देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये मेरी कोशिश है कि जितना ज्यादा से ज्यादा जो है आप समझ सकें। ये देखिए टेपर्ड रोलर, ये टेपर्ड रोलर कहाँ पे यूज करते हैं, जो है जनरली उसमें क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बियरिंग में, ठीक ना। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था किसका, टाइप्स ऑफ दी जो है रोलर बियरिंग का। रोलर बियरिंग में आपने देखा कि कॉन्सेप्ट कुछ देखे हम लोग, और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, ये सब जो है डिस्कस करेंगे हम लोग वन बाय वन मैनुअली जो है ऑन पेपर पेन। बेसिक स्टैटिक लोड रेटिंग क्या होता है, स्टैटिक इक्विवेलेंट लोड रेटिंग क्या होता है, लाइफ ऑफ द बियरिंग
दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि लाइफ ऑफ द बियरिंग क्या होता है, डायनामिक लोड रेटिंग क्या होता है, रिलायबिलिटी ऑफ द बियरिंग क्या होता है, सब लेक्चर नंबर 97 में. सिलेक्शन ऑफ द रेडियल बॉल बियरिंग, कैसे सिलेक्ट करते हैं कोई बॉल बियरिंग, दैट वी विल डिस्कस इन द लेक्चर नंबर 98. उम्मीद करता हूं मैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और मोर ओवर समझ में तब आएगा जब आप पूरे के पूरे 20 लेक्चर आप देखेंगे, 20 लेक्चर जब आप देखेंगे तब आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें आएंगी. अभी तो ये जस्ट हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बताया और हमने समझाने की कोशिश करी है. आई होप दिस विल बेनिफिट यू एंड थैंक यू वेरी मच. विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप योर सेल्फ वेरी हेल्दी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग. थैंक यू वेरी मच.